जी बताइए। वो समय तो बहुत आज में और उस समय के उसमें बड़ा परिवर्तन था। जब 26 जनवरी आई जी और एक युग युग जी है जवाहरलाल वाला एक वो फोनोग्राम आया और वो बजने लगा तो भीड़ आ गई चारों तरफ से। जनता देहात की तो जनता थी तो अब उस समय की बात थी। कुछ लोग तो दीवार में नशे नहीं लगाकर उस पर खड़े होकर के सुन रहे थे जी जी। कि एक ऐसे गोल गोल घूम रहा है और उसमें आवाज निकल रही जी जी जी। जुग जुग जिए जवाहरलाल। अच्छा, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। हुँ। तो अब उस माहौल में और आज की में तो जमीन आसमान का अंतर है जी जी। अभी आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? 85 वर्ष हो गई। 85 साल जी। और उस समय आप कहाँ रहते थे? आपका पूरा नाम भी बताइए। जी पढ़ रहे थे। अच्छा, किस क्लास में थे जी? किस क्लास में थे? अब संस्कृत में क्लास थी जी। तो उत्तर मध्यमा में थे अपन। अच्छा अच्छा जी। उस समय के समय में और अभी के समय में क्या अंतर आया है? अब तो बहुत बड़ा विकास हो गया। इतना ज्यादा कि उस समय तो कुछ नहीं था। एक देहात में साइकिल पहुंच जाए तो लोग कहें साइकिल में आए हैं। फिर इसके बाद परिवर्तन आया तो देहात में एक मोटरसाइकिल वाला कोई चढ़ के आया तो 10 लोग देखने लगे। फिर जब पहली बार टैप आया तो भीड़ जुड़ी ही कहने लगे एक ऐसा मशीन है कि वो गाना सुनाता है और वो गाना सुना देता है जो तुम गा दो। तो अब वो जमाना था देहात में ये सब लोग को ने कभी देखा नहीं था, जानते नहीं थे जी जी। तो उसमें आज के युग में तो बहुत अंतर है। अभी जो 26 जनवरी मनाई जाती है और पहले कैसा उत्साह रहता था स्कूलों में और पहले स्कूलों में कैसा उत्साह रहता था और आज के समय में कैसा रहता है? अब क्या? अब पहले तो ऐसा था कि आवागमन के साधन नहीं थे जी। हमें 10 किलोमीटर पढ़ने दूर जाना पड़ता था जी जी। या हर शनिवार को आते थे और सिर पर गठरी लेकर के जाते थे खाने का सामान 7 दिन का जी जी। अच्छा, और जब दूसरी तीसरी पढ़ते थे दूसरी जी तो आन गांव जाना पड़ता था। हमारे गांव में स्कूल नहीं था जी। वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाते थे, वहां स्कूल लगता था, पढ़ते थे जी। तो अब उस समय में अब हमारे यहाँ खुद हाई सेकेंडरी है। तो पहले में आज के में बहुत अंतर था जी। आपका पूरा नाम बता दीजिए। आपका नाम बताइए पूरा। अयोध्या प्रसाद गौतम करती है जी जी। हाँ, और हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बढ़िया वो देवरिया जिला की। अच्छा, प्रॉपर यानी वहाँ। हाँ, हमारे पूर्वज वहाँ थे। हाँ, तो जब राजा शाही समय था। अच्छा अच्छा। तो पन्ना नरेश वहाँ गए थे जी। तो वहाँ से हमारे पूर्वज रीवा आए थे। रीवा के जो राजा थे वो कुछ जमीन दे करके और गांव लगा करके हमारे पूर्वजों को वहां से ले आए रीवा स्टेट। फिर पन्ना महाराज गए तो वहां से ले आए हमें 500 एकड़ जमीन दी फ्री में और 25 गांव लगा दिए।